अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचा है और त्यांथी तेओ संबोधन कर रहा था। 5 दशक बाद एवं पहली बार बनी रहा है कि जारे कोई देश ना प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन करवामां आवी रह्युं होय, खास करीने तेओ महिला छात्रों ने वधावी हती। अने हवे समाचार सुपरफास्ट की शुरुआत करिए तो अमदावाद लंडन ने आती जती तमाम फ्लाइट 31 डिसेम्बर सुधी रद्द। आज लंडन की छेल्ली फ्लाइट आवशे। लंडन थी आवता प्रवासी कराशे आरटीपीसीआर टेस्ट। टेस्ट नेगेटिव आवशे तो पण कोरोना की गाइडलाइन पालन करवानो रहेशे। रिपोर्ट आवे त्यां सुधी एरपोर्ट पर प्रवासी बेसी रहेवानो रहेशे। ब्रिटन थी मुंबई एरपोर्ट पर उतरेला प्रवासी ने क्वारंटीन कराया। पुलिस और सीआईएसएफी तकेदारी में तमाम लोगों ने बीएसटी की बस में बेसाड़ी सीधा होटल लई जवाया। सरकार निर्णय थी केटलाक लोग निराश। ब्रिटन थी अमृतसर पहुंचेला प्रवासी एरपोर्ट पर मचाव्यो होबाड़ो। प्रवासी ने कोरोना टेस्टिंग माटे रोकता प्रवासी ने एरपोर्ट प्रशासन वच्चे बोलाचाली। देश में कोरोना केस में जोरदार घटाड़ो। देश में कोरोना ना नवा 19,556 केस नोंधाया। 173 दिवस बाद पहली बार 20,000 थी ओछा केस। एक्टिव केस की संख्या हवे 3 लाख थी नीचे। कोरोना वैक्सीन लईने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मोटू निवेदन। जान्युआरी में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू थई शके। कोईपण सप्ताह में रसीकरण संभव। कहीं कोरोना खराब तबक्का। गुजरात में कोरोना 960 नवा केस नोंधाया तो वधु 7 लोगों ना थया मौत। राज्य में कोरोना कुल 2,36,259 केस। कोरोना थी कुल 4,241 दर्दीना मौत। अमदावाद में कोरोना 204 केस नोंधाया। 24 कलाक में वधु 4 लोगों ना कोरोना थी मौत। अमदावाद में कोरोना कुल 55,789 केस। सूरत में कोरोना 150 केस नोंधाया। 24 कलाक में कोरोना थी वधु 3 दर्दीना मौत। सूरत में कोरोना कुल 47,864 केस। वडोदरा में कोरोना 135 केस नोंधाया। वडोदरा में कोरोना कुल 23,503 केस। राजकोट में कोरोना 122 केस नोंधाया। राजकोट में कोरोना कुल 19,223 केस। अमदावाद में कोरोना काल वच्चे तंत्र की घोर बेदरकारी आवी सामे। पीपीई किट नो जत्थो फेंकेली हालत में जोवा मळ्यो। मेडिकल वेस्ट नो योग्य निकाल न करायो। शहर वासना बेरेज नजीक केनाल पास वपरायेली पीपी किट मास्क और ग्लव्स मिली आया। आ बेदरकारी हवे जवाबदार कोण? सूरत में किरण होस्पिटल सामे गंभीर बेदरकारी आक्षेप। जीवती बाळकी ने ब्रॉड डेड लखी रेफर करी। रेफर करना अर्धा कलाक में बाळकी नुं मौत। 19 डिसेम्बरे सीढ़ी पर पड़ी गई थी बाळकी। नीचे पटकाता बाळकी ने हतुं इंटरनल हेमरेज। परिवारजनों कर्यो होस्पिटल पर बेदरकारी आक्षेप। कोरोना रसी अंगे गुजरात में मोटा समाचार। गुजरात में स्थपाई शके रसी स्टोरेज प्लांट। मुंद्रा खाते स्थपाई शके पहलो प्लांट। रसी चढ़ावा माइनस डिग्री तापमान जरूरी। लक्जमबर्ग की कंपनी लावी शके प्लांट। पीएम मोदी ने सीधी देखरेख हेठ कामगिरी। पीएम मोदी करी शके टूंक समय में जाहरात। जान्युआरी में आवी शके कोरोना रसी। अमदावाद में एसपीपी होस्पिटल में आज थी अन्य सारवार शुरू। ओपीडी ऑपरेशन की सेवा शुरू कराई। 9 महीना थी फक्त कोरोना की थती थी सारवार। म्यूकोर माइकोसिस रोग अंगे मार्गदर्शिका बहार पड़वामां आवी। म्यूकोर माइकोसिस एक प्रकार फूगथी थतो रोग। ओछी रोग प्रतिकारक शक्ति अन्य बीमारी होय तो चेपनी संभावना। कोविड दर्दियों में रोग जोवा मळ्यो। 16 सिविल अने 286 खानगी होस्पिटल में फायर एनओसी नथी। कोर्पोरेशन ने कहू 15 दिवस में नहीं मेळवे तो दर्दी ने दाखल नहीं करी शके। अमदावाद फायर विभागे एनओसी लेवानी 287 होस्पिटल्स नो लिस्ट जाहिर कर्यु। फायर विभागे तमाम ने ताकीद एनओसी लेवा सूचना। अमदावाद पतंग बजार में मंदी नो माहौल। कोरोना कारण वेपारी मात्र 50% ज माल भर्यो। वेपारी ने मते ओछी घराकी एक कारण रात्रि कर्फ्यू पण छे। कोरोना ने कारण शहर में दोरी घसवा काम करता कारीगरों पर नहीं दिखाता। 5 जानुआरी बाद घराकी निकलते गुजरान चाले तो वेपार करते वेपारी ने आशा। आगामी दिवसों में उत्तराण आ रही है परंतु आ वक्त पतंग उत्सव पर कोरोना की असर जवा मिली। सूरत पतंग बजार में आ वक्त मंदी नो माहौल। पतंग बजार में 5% घराकी तो दोरी बजार में 20-25% घराकी। सूरत वेपारी ने आ वक्त अत्यार सुधी मात्र 20% ज ऑर्डर मळ्यो तो केटलीक जग्याओ पर पतंग बनावानो रो मटीरियल पण नथी। आ वक्त सूरत में बहार थी पण ऑर्डर न आवता वेपारी परेशान। दादरा नगर हवेली में चेकपोस्ट पर चेकिंग करायू। वाहन चेकिंग सहित की पुलिस विशेष ड्राइव पण योजाशे। वलसाड जिला की हद में फार्म हाउस के पार्टी प्लॉट्स में खावा पीवा महफिलों पर पुलिस की बाज नजर। शौकीनों ने सबक शीखवा पूरी तैयारी साथ पुलिस प्लानिंग। दमण थी पार्टी करी गुजरात में परत फरनाराओं ने सबक शीखवा पुलिस की तैयारी। पुलिस बातमीदारों नेटवर्क सक्रिय कर।
गांधीनगर कलोल में एक सोसायटी में विस्फोट की घटना बनी। गार्डन सिटी सोसायटी में ब्लास्ट था, बे मकान धराशायी। घटना में एक की मौत, एक घायल। सोसायटी में मोटा धड़ाका साथ थोड़ा विस्फोट, 4 किलोमीटर सुधी लोग घर की बाहर निकलिया। फायर पुलिस टीमें करी कार्यवाही। बलसाड़ा रोड पर आई है सोसायटी। महसाणा में पांचोर तड़ाव में गाड़ी खाबकी। अकस्मात में कार में सवार 4 पैकी 3 ना मौत, 1 नो बचाव। राजकोट में कालावर रोड पर पुल झड़पे, आती कार साथ बाइक अथड़ायू। बाइक चालक फंगोड़ाई ने नीचे भटकायो। अकस्मात सीसीटीवी में कैद। भरूचना झगड़िया मार्ग पर ओवरलोड ट्रक पलटी जवानो वीडियो वायरल। रस्ता वच्चे शेरी भरेली ट्रक पलटी, सदनसीबे कोई जानहानि थई नहोती। अरवली में मोड़ासा सहयोग चौकड़ी पर ट्रेलरे बाइक चालक ने लगावी टक्कर। अकस्मात में गर्भवती महिला नु मौत। अकस्मात सीसीटीवी में कैद। दाहोद में अकस्मात मामले होबाड़ो। ट्रक और रिक्शा वच्चे अकस्मात में बे युवती ना थया हता मौत। परिवारे वर्तन की मांग साथ चक्का जाम कर्यो। टोळाए पुलिस पर कर्यो पत्थरमारो। सूरत में डिंडोली विस्तार में चालती कार में लागी आग। कार में सवार 3 लोगों ने बचाव। फायर की टीम पहुंचे ते पहला कार बड़ी ने खाक। बनासकांठा थराद में किसान संघर्ष समिति नायब कलेक्टर ने आप्यो आवेदन पत्र। थराद तालुका 97 गामों ने नर्मदा कमान एरिया में समावेश करने अंगे करी रजूआत। गीर सोमनाथ सूत्रापाड़ा 333 खेडूतों मगफळी वेचवा माटेनुं रजिस्ट्रेशन थयुं ब्लॉक। खेडूतोए अपूरता दस्तावेज अपलोड करता रजिस्ट्रेशन ब्लॉक। मगफळी वेचाण समय ज खेडूतोने रजिस्ट्रेशन ब्लॉक थया अंगे थई जाण। वेचाण माटे खेडूतोए हवे फरीथी समग्र प्रक्रिया हाथ धरवी पड़शे। प्रांसली गामेथी वेचाण माटे आवेला खेडूतोने वाहन भाड़ू माथे पड़ता फैलायो रोष। वेपारीओने मिली भगतथी हालाकी थवानो खेडूतो आक्षेप। बहुचराजी तालुका में 2 दिवस वातावरण में आवेला पलटा ने लईने कपासना पाक ने भारे नुकसान। कपास में जीवात पड़ता, उत्पादन पर माठी असर। कपास तो सामान्य उत्पादन करता 25% थाय तेवी खेडूतों ने भीती। सरकार द्वारा योग्य सर्वे करी अने वर्तर चूकवामां आवे तेवी खेडूतों नी मांग। मोरबीना हळवद में खेडूतोए बचाव्यो होबाळो। खेडूतोने पियत माटे नर्मदा केनाल में पाणी न पहोंचता कर्यो होबाळो। पाणी न मळता शियाळू पाक ने फेल जवानी खेडूतोने भीती। तापी जिल्ला में नदी कोथरा पर बनेला चेकडेमो तूटेली अवस्था में। चेकडेमो में पाणी संग्रह न थता हालाकी खेडूतोने सिंचाई माटे मारवा पड़े छे वलखा। मातरना धारासभ्य केसरीसिंह सोलंकी नो जिला पुलिस वड़ा पर आरोप। मांसना दंड की वसूलात टार्गेट पूर्ण न थता 2 PSI की बदली कर गंभीर आरोप। कहूं दंड वसूलात की स्थानिक चूंटनी पर पड़े असर। राज्यसभा की खाली बैठक ने लेने प्रदेश भाजप नु निवेदन। चूंटनी गमे त्यारे योजाए, अमे बंने बैठकों माटे तैयार। राज्यसभा की चूंटनी में नितिन भारद्वाज ने टिकट मिले ती शक्यता। राजकोट सहित सौराष्ट्र कार्यक्रमों की मांग। अभय भारद्वाज निधन बाद खाली है बैठक। तो राज्यसभा की खाली बैठक अंगे अलग अलग परिपत्र पर कांग्रेस की मांग। खाली बैठकों की चूंटनी साथ कांग्रेसे संख्या पर वधारवा भाजप पर कर आक्षेप। स्थानिक चूंटनी पहला कांग्रेस में डखो। सावरकुंडला तालुका पंचायत प्रमुख राघव सावलिया राजीनामु। प्रभारी राजीव सातव निष्फल गया नाश। दाहोद शहर में 13 डिग्री तापमान नोंधाता शहर ठंडी में छूटवायु। तो ठंडी में केटलाक लोग मॉर्निंग वॉक और साइकलिंग करता जोवा मळ्या। चानी किटली पर लोग चानी चुस्की साथ ठंडी भगावता जोवा मळ्या। वहली सवार से झुंबस पड़ा वातावरण की वच्चे लोग ठंडी भगाड़ता देखाया। गुजरात में पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय रोरो और एरोपेक्स फेरी सर्विस नवा जलमार्गों की ओळख करी, जेनाथी दरियाई मुसाफरी नवा आयामों शुरू थई शकशे। ओखा सोमनाथ दीव पीपावाव दहेज मुंबई कोची गोवा मुंद्रा ने मांडवी जलमार्गों की ओळख करी, साथ 6 इंटरनेशनल रूट की ओळख करी। गुजरात 8 जिल्ला 197 गाम में बुलेट ट्रेन पसार थशे। बुलेट ट्रेन सौ प्रथम अमदावाद थी वापी सुधी दौड़ावा विचारणा। 2023 सुधी में मुंबई सुधी दौड़ती करवानो टार्गेट। आ वर्षे कोरोना महामारी ने पगले कांकरिया कार्निवल नहीं योजाय। कार्निवल रद्द थता 1500 कलाकारों 100 फूड स्टॉल्स ने आर्थिक फटको। नवसारी चिखली में 3,66,00,000 ना खर्चे बनेली रेफरल हॉस्पिटल ने सामूहिक आरोग्य केन्द्र नु लोकार्पण। नवसारी सांसद और प्रदेश भाजप प्रमुख CR पाटिल हस्ते लोकार्पण। छोटाउदेपुर में आवेला कुसुम तड़ाव में जंगली वनस्पति उगी निकलता गंदकी और दुर्गंध। चारों तरफ गंदकी और दुर्गंध थी लोग परेशान। मच्छर ने कारण रोगचाड़ो फैलावा।
નગરપાલિકાના સત્તાધીશોને નગરજનોએ વારંવાર કરી અનેક રજૂઆત, જો કે વહીવટી મંજૂરી ન મળે ત્યાં સુધી કંઈ ન થઈ શકે તેવો તંત્રનો જવાબ. ડીસામાં અસામાજિક તત્વોએ વેપારી પર કર્યો હતો હુમલો. દુકાનમાં 5-6 લોકોએ ઘૂસીને તલવાર અને પાઇપથી કરેલો હુમલો. હુમલાની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. રિક્ષામાં બેસવા પેસેન્જરને લૂંટતી ગેંગને ઝડપી હતી, જેને 7 વર્ષની જેલની સજા ફટકારાઈ. પોલીસે ગેંગને આઈપીસીની 401 અંતર્ગત ફરિયાદ નોંધી. રાજકોટમાં રાત્રિ કરફ્યુ વચ્ચે અસામાજિક તત્વોનો આતંક. બાપા સીતારામ ચોકમાં 5 બાઇક અને 1 ઓટો રિક્ષાને ચાંપી આગ. ભક્તિનગર પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી. કચ્છના સામખિયારીમાં લાખોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો. અંદાજે 850 પેટી જેટલો જથ્થો લઈ જવાઈ રહ્યો હતો. એક ગાડી સહિત લાખો રૂપિયાનો દારૂ જપ્ત. ભાવનગર શહેરમાં 24 કલાકમાં 3 હત્યાના બનાવ. રેલવે કોલોની પાસે મોડી રાત્રે 27 વર્ષીય યુવકની હત્યા. ભાવનગરના કુંભારવાડામાં એક યુવાન પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરાયો. સામાન્ય બાબતે અન્ય એક યુવકે કર્યો હુમલો. ઘાયલ યુવકને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયો. હુમલો કરનાર યુવક થયો ફરાર. મોરબીના ખાટકીવાસમાં બાઇક કાઢવા બાબતે બે પરિવાર વચ્ચે થઈ બોલાચાલી. સામસામે ફાયરિંગમાં 2 વ્યક્તિના મોત. ઘટનાસ્થળે પોલીસનો ચાંપતો બંદોબસ્ત. ફાયરિંગમાં અન્ય 5 ગંભીર ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડાયા. બનાવની ગંભીરતાને લઈ સિવિલ હોસ્પિટલને ખાટકીવાસ વિસ્તારમાં પોલીસનો કાફલો ખડકી દેવાયો. મોરબીમાં ફાયરિંગમાં મૃત્યુ પામેલા ઇમરાન મેમણની અંતિમ યાત્રા નીકળી. અંતિમ યાત્રામાં ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો રહ્યો હાજર. તંગદિલી ન સર્જાય તે હેતુથી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત. રાજકોટના જેતપુરમાં ભાદર કેનાલમાંથી એક પ્રૌઢનો મૃતદેહ મળ્યો. જેતપુર નગરપાલિકા તેમજ સ્થાનિકોએ મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડાયો. અમદાવાદના ખોખરા પોલીસ સ્ટેશનના કોન્સ્ટેબલને ફરજ મોકૂફ કરાયો. માસ્ક પહેરવા બાબતે એક યુવકને માર્યો હતો માર. ઘટના બાદ વીડિયો વાયરલ થતા સસ્પેન્ડ કરાયો. સુરતમાં યોગી ચોક વિસ્તારમાં 2 સ્પા સંચાલકોએ એકબીજાની દુકાનમાં કરી તોડફોડ. ધંધાની સ્પર્ધાને કારણે બંને વચ્ચે ચાલી રહ્યો હતો ઝઘડો. સરથાણા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી. સુરતના ઓલપાડના કુરસદમાં મોડી રાત્રિએ તસ્કરોએ વાહનોને બનાવ્યા નિશાન. કાર, પિકઅપ, બોલેરો સહિત 5 વાહનોના કાચ તોડી 10,000 રોકડ તેમજ સાઉન્ડ સિસ્ટમની કરી ચોરી. સુરેન્દ્રનગરના લીંબડીમાં થોડા દિવસે ઇલેક્ટ્રોનિકની દુકાનમાં ચોરી. 3 મહિલાઓ ગ્રાહકના સ્વાંગમાં આવી પાણીની મોટર ચોરી ગઈ. તમામ ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. ગઢવીના અમદાવાદના ઘરમાં ચોરી. તસ્કરો 1.32 લાખની મતા ચોરી ફર્યા. ચોરો ઘરની બહાર લાગેલા સીસીટીવીમાં કેદ. વડોદરામાં રાત્રિ કરફ્યુ છતાં તસ્કરો બિંદાસ જોવા મળ્યા. તસ્કરોએ કરફ્યુ દરમિયાન કરી ચોરી. શહેરના કોટા વિસ્તારમાં 6 દુકાનોના તાળા તોડ્યા. ચોરી કરતા તસ્કરો સીસીટીવીમાં થયા કેદ. મહેસાણાના દેવરાસણા ગામમાં ખોડિયાર માતાના મંદિરમાં ચોરી. અંદાજે 10 લાખ રૂપિયાના સોના ચાંદીના આભૂષણોની ચોરી. ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. સુરતના કામરેજમાં પીએસઆઈને કાર ચાલકે ટક્કર મારતા પીએસઆઈ ઇજાગ્રસ્ત. વલથાણ નહેર પાસે નેશનલ હાઈવે પર માસ્ક વગર કાર ચલાવનારને રોકતા મારી ટક્કર. મહીસાગર જિલ્લાના વડાગામ અને સિમ લીમટાબામાં સફેદ પથ્થરોની ચોરી. સરકારી પડતર જમીનમાંથી પથ્થરોની ચોરી થવાનો વીડિયો વાયરલ. જિલ્લા ખાણ ખનિજ વિભાગ ઘોર નિંદામાં. સુરતના પૂણા વિસ્તારમાં રવિવારી બજારમાં એક મહિલા પર્સથી ચોરી કરતી ઝડપાઈ. મહિલાએ 100 નંબરમાં ફોન કરતા પોલીસ તાત્કાલિક દોડી આવી ચોર મહિલાની અટકાયત કરી મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો. અમદાવાદમાં ઓઢવ પોલીસ સામે દારૂની ખાલી બોટલો પડી હોવાની વીડિયો વાયરલ. બ્રિજની નીચે દારૂની ખાલી બોટલ પડેલી હોવાનો વીડિયો વાયરલ. વીડિયો ક્યારનો હોવાનો કોઈ પુષ્ટિ નહીં. ધોરાજીમાંથી 9.65 ગ્રામ હેરોઈન સાથે એક પકડાયો. કુલ 96,500ની કિંમતનું હેરોઈન પકડાયું. પાલવાડ વિસ્તારમાં એસઓજીએ કરી કાર્યવાહી. વડોદરામાં સરકારી યોજનાઓમાં એજન્ટ રાજ. મા વાત્સલ્યમ અમૃતમ કાર્ડ કઢાવવા એજન્ટ સક્રિય થયા. એજન્ટ ફાસ્ટિંગ ઓપરેશનમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા. બોગસ કાર્ડ કઢાવી આપતા એજન્ટ્સ કેમેરામાં કેદ. એજન્ટથી લઈ અધિકારીઓ સુધી પહોંચે છે રૂપિયા. નર્મદા ભવન કચેરી ખાતે એજન્ટ્સનો અડિંગો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની કાર્યવાહી છતાં એજન્ટો બેખૌફ. બનાસકાંઠાના કાણોદર ગામમાંથી બાયોડીઝલ ઝડપાયું. પુરવઠા વિભાગે 4,49,000 રૂપિયાની કિંમતો 8,200 લીટર બાયોડીઝલ ઝડપી પાડ્યું. સુરેન્દ્રનગરમાં ડ્રોનની મદદથી લીંબડીના ઉંઘલ લિયાદ ગામેથી ખનીજ ચોરી ઝડપાઈ. ડ્રોન સર્વેલન્સ દરમિયાન ખનીજ ચોરી ઝડપી. પોલીસે રૂપિયા 28 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. વેલકમ બેક. રાજપીપળામાં હોમ સ્ટે પોલિસી અંગે જાગૃતિ કાર્યક્રમ. હોમ સ્ટે પોલિસી શું છે તેની સાચી સમજ અપાઈ. રાજ્યમાં ફરવા આવતા પ્રવાસીઓ માટે હોમ સ્ટે પોલિસી.
गुजरात में बाहर थी आवतार प्रवासियों ने होटल सिवाय पर विकल्प आपवा अंगे समझ। प्रवासी ने लोगों घरे ज राखी गुजराती संस्कृति रीति रिवाज और भोजन ने अपावशे अनुभूति। जूनागढ़ भेंसाण में नेस्मा लगावामां आव्युं टीवी। नेस्मा प्रथमवार अपाशे टीवी थी शिक्षण। नेस्मा ऑनलाइन शिक्षण अपावा जिला शिक्षण अधिकारीना प्रयास। राजकोट जेतपुर पास सिंह परिवार धामा एक साथ 10 सिंह होवानो स्थानिकों दाव। आरब टीमड़ी गाम पास पशु नु कर्यु मारण। गौशाला में 10 गाय नु मारण कर्यु। वन विभाग की टीम स्थल पर पहुंची। अमदावाद में सांपना रेस्क्यू वीडियो वायरल। साउथ बोपल में कंस्ट्रक्शन साइट में मजूर घर में घुसो अति दुर्लभ रसेल वाइपर सांप। रसेल वाइपर भारत में सौथी झेरी सांप पैकीन एक। एनिमल लाइफ केर सभ्याए खूब सावचेतीपूर्वक कर्यु झेरी सांप रेस्क्यू। जाम खंभाड़िया नगर गेट विस्तार में टावर की घड़ियाड़ चार दिशा में अलग अलग दर्शा समय। नगरपालिका की बेदरकारी थी बंद पड़ेगी घड़ियाड़। तंत्र की साथ स्थानिक नेताओं ध्यान नहीं आती। यूएस प्रमुखे बे देशों की राजकीय भागीदारी ने वधारवा पर पीएम मोदी ने कराया सम्मानित। लीजन ऑफ मेरिट थी पीएम मोदी सम्मान। पीएम मोदी नेतृत्व में अमेरिका में सम्मान। जम्मू काश्मीर में जिला विकास परिषद की चूंटी आज परिणाम। 280 बैठकों योजाई थी चूंटी। परिणाम 2178 उम्मीदवारों की किस्मत खुलशे। डीडीसी चूंटी परिणाम ने जोता कड़क पुलिस बंदोबस्त। राज्य पुलिस साथ सीआरपीएफ सहित की टुकड़ियों तैनात कराई। शहर तमाम पॉइंट पर चांपतो बंदोबस्त। हिमाचल प्रदेश शिमला में ठंडी प्रकोप यथावत। ठंडी कारण रस्ताओ सुमसान जवा मब्या तो के लोग ठंडी की बचवा तापना करता नजरे पड़ा। दिल्ली में ठंडीए छेल्ला 10 वर्षनो रेकॉर्ड तोड्यो। आ वक्त तापमान 4 डिग्री थी पण नीचे पहुंच्यू। हवामान विभागे दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री जारे के सामान्य तापमान 22.4 डिग्री सुधी रहेवानी संभावना व्यक्त करी। ठंडी और धुम्मस की साथ साथ दिल्ली की हवा पण झेरी बनी। धुम्मस सामनो करी रहेला लोको हवे प्रदूषण थी पण परेशान। दिल्ली सहित आसपासना विस्तारों में एक्यूआई 350 ने पार।